हाय गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका ट्यूटोरियल नंबर 2 में। ये टोटल एक सीरीज है कि एंड्रॉयड ऐप कैसे डेवलप करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो की मदद से, और उसमें गूगल के एड्स डालकर पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो पहला ट्यूटोरियल मैं बता चुका हूँ। दूसरा ट्यूटोरियल ये है, ये टोटली प्रैक्टिकल सेशन है, प्रैक्टिकल चीज़ें बताई जा रही है। और इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे बेसिकली कि एड यूनिट्स जो है वो कैसे जनरेट करते हैं, क्योंकि जब आप एंड्रॉयड ऐप बना लेंगे, जब एपीके आपका तैयार हो जाएगा, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता उसमें कि आप जो है उसके अंदर एड ऐप जो मतलब ये कोड है एड्स के वो डालिए। तो इसलिए हम पहले तैयार करके रखेंगे अपने सारे एड्स यूनिट जो कि हमको डालने हैं अपने ऐप के अंदर। और ऐप के अंदर जो है एड यूनिट कैसे डाले जाते हैं, उसके लिए गूगल का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एड मॉब। ठीक है, तो बेसिकली जो है आप ब्लॉग पे जब आप एड्स डालते हैं गूगल का, तो एडसेंस के अंदर से उसका कोड जो है एड यूनिट का कॉपी करके डालते हैं। तो यहाँ पे कोड नहीं डालना होता है एड्स का, यहाँ पे एड यूनिट आईडी डालना होता है। ठीक है, जो कि आपका पब्लिशर आईडी उस स्लैश वो यूनिट का कोड होता है वो डालना होता है। इसमें बता रहे हैं चार तरह के एड्स होते हैं जो कि मोबाइल पे डाले जाते हैं, आते हैं मोबाइल ऐप के ऊपर आते हैं, जो आपको पिछले ट्यूटोरियल में बता चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा और आपको हम बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एडमॉब क्या होता है। एडमॉब बेसिकली एक अकाउंट है गूगल का जो मैनेज करता है आपके एंड्रॉयड के सारे एक्टिविटीज को, एंड्रॉयड जो ऐप आप बनाए हैं उसके सारे एक्टिविटीज को, अर्निंग्स वहां दिखाता है, एड यूनिट वहां जनरेट कर सकते हैं, और बाकी सारा चीज जो है वो वहां पे बहुत से डिटेल्स दिखाता है आपके ऐप के रिलेटेड। तो अब देखिए, एड मॉब जो है वो क्रिएट करेंगे जब आप, तो उसके साथ साथ आपको दो और अकाउंट जो है क्रिएट करने पड़ते हैं, एक गूगल एडसेंस का और दूसरा गूगल एडवर्ड्स का। ओके, अगर आप नहीं क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, हम आपको बताएंगे आगे इस वीडियो में। तो चलिए, अगर आपके पास ऑलरेडी एक एडमॉब एडसेंस का अकाउंट है तो आपको जरूरत नहीं है क्रिएट करने के लिए। एडसेंस का अकाउंट क्यों है जरूरत, क्योंकि जितनी भी आपकी कमाई होगी वो एडसेंस में ट्रांसफर होगी। जैसे यूट्यूब की अर्निंग्स कैसे एडसेंस में ट्रांसफर होती, वैसे ही जो आपकी ऐप की अर्निंग होगी एडमॉब में वो ट्रांसफर हो जाएगी एडसेंस के अंदर, वो आपके पेमेंट होगा एडसेंस के थ्रू। जो एडसेंस का प्रोसेस है पिन वेरिफिकेशन, सेम वैसे ही है। अगर ऑलरेडी आपने पिन वेरीफाई कर लिया, आपका यूट्यूब है, सब कुछ एड्रेस वेरीफाई कर लिया है, बैंक अकाउंट डाल दिया, तो कोई जरूरत ही नहीं है कुछ। अगर नहीं है तो आपको फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा, एडसेंस में ये सब नहीं किया आपने तो वेरीफाई करना पड़ेगा, लेकिन है ऑलरेडी तो ये सबसे जो छुटकारा है आपको। ओके, तो एक चीज़ ये है एडसेंस होगा पेमेंट के लिए जरूरी, और दूसरा जो चीज़ है वो एडवर्ड्स, वो इसलिए कि आप जैसे जब नए हैं तो आपके ऐप्स को लोग कैसे जानेंगे। तो हालांकि बहुत से तरीके हैं जो आपको हम बताएंगे आपके ऐप्स को कैसे जानेंगे लोग और लोग डाउनलोड करेंगे कैसे, लेकिन गूगल एक्चुअली अपने फायदे के लिए वो क्रिएट करा लेता है एडवर्ड अकाउंट, ताकि लोग जो है गूगल प्ले स्टोर में अपने एड्स का एडवर्टाइज कर सके पैसे देकर। तो खैर छोड़ दिए, वो हमारे चीज़ की हमारे लिए ज़रूरत नहीं, हम पैसे देने नहीं जा रहे, पैसे लेने की बात कर रहे हैं, हम कमाने की बात कर रहे हैं। तो खैर गूगल वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेगा एडवर्ड्स, वो रहने दीजिए, उसमें झांकने की भी जरूरत नहीं है एडवर्ड्स के अंदर, लेकिन ज़रूरत है एडसेंस की। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब एक चीज़ और क्लियर कर दें आपको कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने ब्लॉग पे जो है एडमॉब पे अकाउंट बनाते हैं, एडमॉब के लिए अकाउंट बनाते हैं और एडसेंस क्रिएट करते हैं, और उसी एडसेंस का कोड जो है ब्लॉग पे डाल देते हैं, एड्स भी शो करता है लेकिन उससे अर्निंग्स नहीं होती है, क्योंकि वो अलाउड नहीं है, है ना। ब्लॉग के लिए आपको खुद से अप्रूव करना पड़ता है, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे हैं ये, क्योंकि बेसिकली इससे कुछ लेना देना नहीं है वहाँ पे, लेकिन बहुत से लोग पूछते हैं हमसे कि मैंने एडमॉब में अकाउंट क्रिएट किया है, वो एडसेंस उसी से क्रिएट किया और उसका कोड डालता हूँ ब्लॉग पे, लेकिन एड्स भी शो करते हैं, अर्निंग्स नहीं दिखाती हैं। तो ये इसीलिए होता है। तो आप ये एडमॉब जो है एडमॉब के लिए जो एडसेंस क्रिएट होता है वो ऐप के लिए होता है, ब्लॉग के लिए नहीं होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आपको हम बताते हैं। हाँ, हम आपको इस ट्यूटोरियल में अभी हम कोड जनरेट करना बता रहे हैं, उसके बाद बताएंगे आपको ऐप कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद सबसे लास्ट में बताएंगे गूगल प्ले स्टोर में अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, और ऐप कैसे पब्लिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको $25 पे करने पड़ते हैं वन टाइम अकाउंट क्रिएट करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में।
जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, आप ऐड प्लेस कर लीजिए अपने ऐप में, ऐप बना लीजिए और उसके बाद टेस्ट कर लीजिए अपने मोबाइल में, दूसरे फ्रेंड्स के मोबाइल में, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तब फाइनली आप अकाउंट खरीदिएगा। हड़बड़ी क्या है गूगल प्ले स्टोर का, वहाँ $25 देना, जब तक देंगे नहीं तब तक तो होगा नहीं। तो इसीलिए हम आपको बोलेंगे सबसे लास्ट में गूगल जो प्ले स्टोर का अकाउंट है लास्ट में खरीदने के लिए। ओके, तो सो लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिकल प्रोसेस। सो गाइज लेट्स बिगिन विद द प्रैक्टिकल प्रोसेस। गूगल खोलिए, टाइप कीजिए एड मॉब और सर्च कीजिए। सबसे पहला रिजल्ट जो है google.com/admob, उस पर क्लिक कीजिए, आपको ले जाएगा गूगल एडमॉब के ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहाँ पे सबसे पहले आपको साइनअप करना होगा गूगल एडमॉब के साथ। जैसे ही आप साइनअप पे क्लिक करेंगे आपसे एक ईमेल एड्रेस पूछेगा। ईमेल एड्रेस अगर आपके पास कोई जीमेल का ईमेल आईडी है तो वहाँ से आप डाल के कंटिन्यू कर सकते हैं। ध्यान रहे आपको, जैसे कि हमने बताया कि गूगल एडमॉब पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि आपको एक एडसेंस अकाउंट भी क्रिएट करना होगा साथ ही साथ, और एक एडवर्ड का अकाउंट भी क्रिएट करना होता है। तो अगर आपके पास पहले से एडसेंस अकाउंट है आपके YouTube के लिए या फिर आपके ब्लॉग के लिए, तो कृपया करके उसी एडसेंस का ईमेल आईडी जो है यहाँ पर इंटर कीजिए और उससे कंटिन्यू कीजिए साइनअप। क्योंकि एक से ज़्यादा अगर आप एडसेंस अकाउंट रखते हैं तो वो इलीगल है गूगल के टर्म्स पॉलिसी के हिसाब से, और अगर पकड़े जाते हैं दो एडसेंस अकाउंट के साथ तो आपका एडसेंस अकाउंट जो है दोनों के दोनों बंद कर दिया जाता है। तो कृपया अगर आप अपने नाम से बना रहे हैं तो उसी, और आपके पास एडसेंस अकाउंट है तो उसी एडसेंस अकाउंट के ईमेल आईडी से कंटिन्यू कीजिए। ऑलरेडी मेरे पास भी है, मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे जितने फॉलोअर्स हैं उनके सभी के पास, वो तो यूट्यूबर्स हैं या ब्लॉगर्स हैं तो उनके पास होगा ही एडसेंस। तो यहाँ पे वही एडसेंस अकाउंट क्रिएट कीजिए, अगर मतलब यही वही डालकर आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर मान लीजिए नहीं आपके पास एडसेंस अकाउंट तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे अपना जीमेल का ईमेल आईडी डाल के कंटिन्यू आगे बढ़िए। ऑटोमेटिकली आपका प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एक एडसेंस अकाउंट भी बन जाएगा और एक एडवर्ड अकाउंट भी बन जाएगा। हाँ, जिनके पास एडसेंस अकाउंट है और एडवर्ड अकाउंट नहीं है तो उसके लिए चिंता मत कीजिए, वो ऑटोमेटिकली ये क्रिएट कर देगा साइनअप प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एडवर्ड्स के साथ। तो लेट्स बिगिन। मेरे पास ऑलरेडी एक दूसरा एडसेंस अकाउंट है, मैं उससे लॉग इन कर रहा हूँ। ओके, तो ओके, ये एडसेंस केवल मेरा यूट्यूब के लिए है इस पर, और मैं इससे कंटिन्यू कर रहा हूँ एडमॉब के लिए। पासवर्ड वही डालिए आप। और नेक्स्ट कीजिए। तो आपको ले जाएगा ये पेज पे, और अब हम आ गए इस पेज पे। हमारा एडमॉब अकाउंट कंटिन्यू है, प्रोसेस में है, प्रोग्रेस में है। कह रहा है कि एडमॉब यूजेस गूगल एडसेंस टू सेंड पेमेंट, इट लुक लाइक यू हैव ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट, हमारे पास था इसलिए ये उसका डिटेल दे दिया हमें यहाँ पे, पब्लिशर आईडी से लेकर सब कुछ एड्रेस। अगर मान लीजिए आपके पास नहीं होता तो ये क्रिएट कर देता एक ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडसेंस अकाउंट, अगर आप नए रहते तो। ठीक है, आपके पास ना यूट्यूब था ना ब्लॉग है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो क्रिएट कर देता है यहाँ पे। अब दूसरी चीज़, हमारे पास एडवर्ड अकाउंट भी ऑलरेडी है तो उसका डिटेल भी हमें दे दिया यहाँ पे। तो हमको, मेरे लिए दोनों ही नहीं क्रिएट करना पड़ा इसे, लेकिन अगर आपके पास अगर दोनों नहीं होता या फिर दोनों में से कोई एक नहीं होता तो ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो जाता यहाँ पे। अब आपको ज़रूरत है, टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट कीजिए और क्रिएट एडमॉब अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। दैट्स इट। अब आपको हम दिखाएंगे यहाँ पे, देखिए अब मैसेज आया कि आपका सक्सेसफुली जो है एडमॉब अकाउंट क्रिएट हो गया, योर एग्जिस्टिंग एडसेंस एंड एडवर्ड अकाउंट हैज बीन कनेक्टेड टू एडमॉब, और कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, एडमॉब से दोनों को, अगर आप दोनों में, अगर आप इस कुछ भी को रिमूव करेंगे, कैंसिल करते हैं अपने एडमॉब से एडसेंस को या फिर उसको, तो आपका जो है ये एडसेंस एडमॉब अकाउंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपको दोनों में से कोई भी रिमूव नहीं करना है, वो कोई भी डिलीट नहीं करना है, ना एडसेंस बंद करना है ना एडवर्ड। तो अब यहाँ पे सब ये सब फालतू की चीज़ें हैं जो मेल बुलाने के लिए, बस यहाँ पे यस कर दीजिए। ठीक है, और कंटिन्यू टू एडमॉब पे क्लिक कीजिए।
तो अब आप का रेडी हो गया एडमॉब अकाउंट, वेलकम टू एडमॉब। अब आप तैयार हैं, रेडी टू टेक ऑफ। ये देखिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, तो अब कह रहा है कि आप गूगल प्ले से अकाउंट बना लीजिए। ठीक है, तो खैर छोड़िए, अभी गूगल प्ले से आप अकाउंट मत बनाइए, हम आपको लास्ट में बनवा देंगे। ओके, क्योंकि आपको वहाँ पे सब कुछ पहले ऐप वगैरह क्रिएट कर लेंगे, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, तो आप अपलोड कीजिएगा टेस्ट करने के बाद, आपको मोबाइल फ़ोन पे टेस्ट करने के बाद गूगल प्ले, क्योंकि वहाँ पैसा देना होता है, पैसा नहीं देंगे तो आप आपका अकाउंट क्रिएट ही नहीं होगा। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम आपको दिखा दें कि, चलिए हम आपको थोड़ा एक चीज़ दिखा देते हैं, एडसेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे, एडसेंस जब आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे, तो एडसेंस में इसके आपका एक नया टैब बन जाएगा पेमेंट में, वहाँ पे आपको दिखाई देगा वहाँ पे पहले आपका दो ऑप्शन आता था, होस्टेड अकाउंट या फिर एडसेंस फॉर कंटेंट, अब एक तीसरा भी ऑप्शन आएगा एडमॉब से आपकी कितनी अर्निंग हुई, वहाँ पे आप देख सकते हैं सेपरेटली कि हमारा कितना अर्न हुआ। हालांकि यहाँ पे भी देख सकते हैं आप रिपोर्ट्स के अंदर जाके, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो चलिए हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट में जाते हैं यहाँ पे, और अब देखेंगे यहाँ पे हम, थोड़ा स्लो है मेरे यहाँ इंटरनेट। अब हम देखिए प्रोडक्ट्स में जाते हैं, तो अब यहाँ पे देखेंगे आप कि तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, होस्टेड एडसेंस फॉर अकाउंट अगर सेलेक्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं तो आपको यूट्यूब की अर्निंग या फिर ब्लॉग ब्लॉगर का अर्निंग दिखाई देता है, एडसेंस फॉर कंटेंट सेलेक्ट करते हैं तो आपका वेबसाइट या फिर ब्लॉग जो है जो कि होस्टिंग खरीदा हुआ है उसका दिखाई देता है 70% रेवेन्यू वाला, और अगर आप एडमॉब सेलेक्ट करते हैं तो आपको मोबाइल का ऐप का अर्निंग नीचे दिखाई देगा अप्लाई करने पे। ओके, तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, इसलिए अभी ब्लैंक रहेगा, नहीं तो दिखाना शुरू करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बता दें कि अब कैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो आपका मतलब अर्निंग्स होगा यहाँ पे भी दिखाता है एडमॉब के अंदर भी। तो चलिए अब आपको ज़रूरत है, मेन जो चीज़ करना था वो आपको एक ऐप का जो है, हैव यू पब्लिश योर ऐप, नो अभी हम पब्लिश नहीं किए हैं, हमारा जो ऐप होगा उसका नाम क्या होगा वो पूछ रहा है। तो आपको कोड वैसे ABC कुछ भी लिख लीजिए या फिर अपना फर्स्ट ऐप का नाम कुछ भी लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए माई फर्स्ट, या फिर नाम जो भी आप उसका रखना चाहते हैं, मान लीजिए मैं रखना चाहता हूँ माई स्मार्ट सपोर्ट, ठीक है, एंड्रॉयड का रहेगा। ओके, ऐड करेंगे हम, तो अब ये पूछ रहा है हमने एक कि अब हम ऐड यूनिट क्रिएट करना है, इसी के लिए हम यहाँ सबसे पहले, क्योंकि हमको जब हम एंड्रॉयड ऐप क्रिएट करेंगे तो हमको उसके अंदर जो है डालना होगा ऐड यूनिट। ये देखिए सेलेक्ट फॉर्मेट, किस तरह के आप ऐड यूनिट क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत तरह के ऐड यूनिट्स आ गए हैं, जैसे कि बैनर ऐड जो कि ऊपर में दिखाई देगा आपको, इंटरटेस्टियल ऐड जो कि पूरे स्क्रीन को कवर कर लेगा, रिवार्डेड वीडियो एड्स जो कि जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो स्किपेबल देखते हैं उस तरह का एड्स आता है, और नेटिव एड जो कि बीच बीच में आपके जगह पे दिखाई देता है। चारों तरह के आपको यूनिट्स क्रिएट करने होंगे यहाँ पे सब है पहले, तो सबसे पहले यूनिट क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ पे, आप यूनिट क्रिएट कर लीजिए, आप यही ऐड यूनिट्स को पूरे सारे जगह जो है सारे ऐप्स में डाल सकते हैं। ठीक है, जितने भी ऐप बनाएंगे तो आप उसमें, तो आपको कुछ करना नहीं है इसमें, ऐप में किस तरह का इमेजेस और टेक्स्ट दोनों दिखेगा और ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गई, जैसे ये देखिए ऊपर में आपके मोबाइल के ऊपर में, ऐप के ऊपर में या नीचे में ऑप्शन प्लेस हो जाएगा, जैसे आप कोडिंग में वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऐप के अंदर, तो दोनों रख लीजिए। गूगल ऑप्टिमाइज कितने देर बाद ये चेंज होगा एड्स इसके अंदर, ठीक है, उसका नाम डाल दीजिए बैनर, माई बैनर ऐड ऐड, ठीक है, और सेव कर दीजिए। सेव करेंगे तो आपको एक आईडी दे देगा ये, ठीक है, तो ये आईडी जो है आपको अपने ऐप के अंदर डालना होता है। तो ऐड यूनिट का आईडी ये है, यहाँ से CA से स्टार्ट होता है, आप ये कॉपी करके अब
एक जगह आपने रख लीजिए अपने वर्ड पैड में या फिर कहीं भी, ताकि हमें उसे जो है वो डालना ही है एक जगह, तो हम सेव कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पे रहता है, ऐसा कोई बात नहीं, वहाँ पे भी रहेगा। तो हम बी ए डब्ल एन ई आर बैनर एड यूनिट का कोड जो है ये है, ठीक है। अब चलिए हम अब जनरेट कर लेते हैं, अनदर एड यूनिट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब हम करेक्ट इंटरटिशियल एड्स जो कि पूरे स्क्रीन को कवर करेगा, ठीक है। तो इंटरटिशियल में होता क्या है, तीन तरह के एड्स आते हैं। सडनली आप कोई ऐप खोलें तो देखेंगे पूरा स्क्रीन कवर हो गया, बस ऊपर में हल्का सा क्रॉस करने का जो है ऑप्शन रहता है कट करने का, तो इस पर बहुत ज़्यादा क्लिक्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें टेक्स्ट भी आते हैं, इमेजेस भी आते हैं, और कभी कभी वीडियो भी प्ले होने लगते हैं इंटरटेशनल ऐप्स में। तो फ्रीक्वेंसी रहने दीजिए गूगल के हिसाब से ही, और जब वो चेंज करना चाहे अपना उसके अंदर अलग अलग इमेजेस या फिर टेक्स्ट या एड्स, तो वो तो माई इंटरटेशनल ऐड्स दीजिए, माई आई एन टी ई आर टी ई एस आई एन ए डी एस, ठीक है, और सेव कर दीजिए। तो आपको इंटरटेशनल ऐड यूनिट का जो है वो सॉरी एड यूनिट का जो है वो क्लिक कर लीजिए और सेव कर लीजिए इसे। ध्यान रखिए आप कि एक में मिक्स अलग अलग रखिएगा दोनों का, ठीक है, ताकि आप जहाँ इंटरटेशनल एड्स लगा रहे हैं उसी का जो एड यूनिट कोड है वहाँ पे डालिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए बैनर की जगह पे इसका हम डाल देंगे तो वो फिर गलत हो जाएगा, मिसमैच होने लगेगा और सही से काम नहीं करेगा आपका ऐप। तो बिल्कुल सही सही आप क्रिएट कर लीजिए सबसे पहले, ये ज़रूरी है। अब आप जो है अनदर एड यूनिट, इसी तरह से आप रिवॉर्डेड वीडियो एड यूनिट कर लीजिए, ठीक है, और आप जो है उसे उसका नाम दीजिए माई एड, ठीक है, सेव कीजिए। और ये क्रिएट हो रहा है, क्रिएट हो जाने दीजिए, जैसे क्रिएट होगा एड यूनिट मिलेगा, इसे आप वीडियो एड यूनिट के नाम से सेव कर लीजिए, वी आई डी ओ, और यहाँ पे कंट्रोल भी, और नेटिव एड्स जो कि बीच बीच में आएंगे आपके टेक्स्ट के, एन ए टी आई वी हम क्रिएट करते हैं अभी, ठीक है। तो अब हम क्रिएट कर लेते हैं चौथा एड यूनिट जिसका नाम है नेटिव एड यूनिट। नेटिव एड बेसिकली क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे, बेसिकली बीच में कहीं भी आपके ऐप के बीच में उसको प्लेस कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए स्मॉल सेलेक्ट किया मैं, उसमें से किसी भी एड यूनिट को आप क्लिक कीजिए, उसमें क्लिक किया, क्लिक करके आप चाहें तो उस पर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं, कलर टेक्स्ट ऐड का जो है सब चेक चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब सॉरी, करने के बाद आप रिफ्रेश रेट डू नॉट रिफ्रेश कर दीजिए, ठीक है, और इसका नाम दे दीजिए माई एन ए टी आई वी ई ए डी एस और सेव कर दीजिए। तो ये एक नया आपको एड यूनिट आईडी जो देगा वो नेटिव आईडी का एड्स का, ठीक है। तो ये जो है आपका एड यूनिट आईडी है नेटिव एड्स के लिए, ठीक है। अब आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, ये ऐप आईडी ऊपर वाला होता है और ये जो है स्लैश वाला जो होता है वो एड यूनिट आईडी होता है ऐड का। तो डन कर दीजिए, सारे यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हम जो नेटिव का है वी, ठीक है, सबका आईडी जो है आईडी, ठीक है, इंटरटेशियल यूनिट आईडी, वैसे वीडियो आईडी, ये सब एड यूनिट आईडी हैं, ठीक है। यहाँ पे कोड का जरूरत नहीं, एड कोड का जरूरत नहीं होता है, ये यहाँ पे एड यूनिट आईडी होता है, ठीक है। तो आप जो है बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि कौन सा आपका आईडी जो है एड का वो बैनर के लिए है, कौन सा नेटिव है, कौन सा वीडियो के लिए है और कौन सा इंटरटेशनल एड्स के लिए है। तो इसे हम सेव कर लेते हैं, ठीक है, माई एड मॉब एड यूनिट आईडीज, ठीक है,
सेव हो गया ये डेस्कटॉप पे। हालांकि आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा, आप कभी भी किसी पे क्लिक करेंगे तो आप अपना उसका जो है आईडी आप देख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, है ना। तो ये रहता है ऑलरेडी यहाँ पे। तो अब आगे, अब हमें ज़रूरत है सबसे पहले ऐप क्रिएट करने के लिए और उसके अंदर ये ऐड यूनिट जो है डाल देने के लिए। तो गाइस यही है बेसिकली, यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स दिखेंगे, जब आपके अर्निंग होने लगे हैं, क्लिक्स होंगे तो यहाँ पे दिखाई देंगे। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है कि हम अब ऐप क्रिएट कर लें, और ऐप क्रिएट करके उसके अंदर ये जो कोड्स हैं हमने निकाल लिया है और उसमें डाल दें बनाते समय, क्योंकि बाद में उसमें तो ऑप्शन मिलेगा नहीं डालने के लिए। एक बार ऐड मतलब एक बार जब ऐड ऐप क्रिएट हो गया, एपीके क्रिएट हो गया, तो आप उसको दोबारा डाल नहीं सकते हैं इसमें ना, कोई यूज़ कर लिया, कोई डाउनलोड कर लिया तो फिर कहाँ से ऐप करेंगे। तो इसलिए ये चीज़ है। अब हम चलिए आपको बताते हैं अगले ट्यूटोरियल में कि कैसे ऐप बनाएंगे और उसके अंदर ये कोड डालेंगे। उसके बाद लास्ट में आपको बताएंगे कि आपको सब कुछ टेस्ट वेस्ट करने के बाद कि कैसे जो है वो प्ले स्टोर में अपलोड करते हैं ऐप को, ठीक है राइट ना। तो 0-0 दिखा रहा है, सब ऐसा ही होगा। तो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग भाई, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।